सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स को जो अहमियत दी जाती है उससे बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहना, और ये सब चीज़ें के थ्रू अगर आप किसी को हेल्प कर सके उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ सब एट द सेम टाइम मिल रही है। तो हाँ, बस यही रीज़न है मोस्टली, मेनली जो है। और मोर देन एनी थिंग कोरियोग्राफर्स है जिनके साथ हम इतना काम करते हैं, और जितना सीखते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें चांस मिला कि यहाँ रहने का और उनकी गेम्स देखने की, तो मज़ा आ रहा है। सिर्फ कोरियोग्राफर भी नहीं है इसमें, असिस्टेंट कोरियोग्राफर है और डांसर्स भी है, ये सब मिल के कर रहे हैं। मेरी एक ही विनती हमारे गवर्नमेंट से कि ये जो कोरियोग्राफर्स, असिस्टेंट्स और डांसर्स, इन पर ध्यान दिया जाए। ये वो वर्कर्स है जो अपने बदन को जलाते हैं, फिजिक को जलाते हैं, और इस पॉइंट पे आते हैं। आज अगर फुटबॉल खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, तो इनको उस चीज़ में बहुत सपोर्ट करना चाहिए, आपको आगे बढ़ाना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जब एक एज के बाद बदन घिस के वो कुछ कर नहीं पाते, तो शायद ये यूनियन है, ये गवर्नमेंट है, वो उनके लिए कुछ करें। इसीलिए ये प्रोग्राम रखा है अभिमन्यु और संजय, हम लोग आए हैं यही सोच के कि मदद मिले गवर्नमेंट के तरफ से। हमारे जो यहाँ पे डांसर्स है और जो असिस्टेंट कोरियोग्राफर और कोरियोग्राफर्स है, जो इतना मेहनत कर रहे हैं, कई लोग हैं जो सिर्फ देख रहे, यंगस्टर्स खेल रहे, इनको बहुत सारा मदद चाहिए आगे जाके फ्यूचर के लिए, क्योंकि अभी 5 साल के बाद, 10 साल के बाद शायद ये वो डांस नहीं कर पाए, या कोरियोग्राफर्स, असिस्टेंट कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर्स। तो और ये जो इवेंट रखते हैं, कभी क्रिकेट होता है, कभी फुटबॉल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ये सब एकजुट हो रहे, ये बहुत अच्छा है। ये एकता हो, हर डांस मास्टर, हर असिस्टेंट कोरियोग्राफर और डांसर्स ये सोच ले कि हम एक हैं, और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, उनके यूनियन पे ध्यान दे, उनके लोगों पे ध्यान दे, तो बहुत बड़ी बात होगी। नहीं संजय, उन्हें मैंने जो कहा ना कि गवर्नमेंट ध्यान देगी तो सब कुछ उसमें ही आ जाएगा। एक ही जी, मैंने डायरेक्ट मुद्दे पे बात की, वो नाम की पेंशन इस पे नहीं। अगर डांस मास्टर, डांस जो बदन को, इवन नॉट डांसर्स, फाइटर, जूनियर आर्टिस्ट, लाइटमैन, जो अपने बदन को जलाते एक एज के बाद, उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो हर यूनियन पे गवर्नमेंट का ध्यान हो, उनको उनकी मदद करें, उनको इंश्योरेंस दें, उनको मेडिकल दें, उनको बहुत सारी चीज़ें करें, गवर्नमेंट ध्यान दें, क्योंकि ये एक ऐसा जॉब है, ये ऑफिस का जॉब नहीं है कि 8 घंटा बैठे 12 घंटे, ये 12 घंटे सुबह से लेकर रात तक अपने बदन को जलाते, तो ये इनके लिए बहुत 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 सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो मैं सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, मैं जितने हमारे बड़े बड़े स्टार्स हैं,
जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने मतलब इनके आगे रह के काम किया है, डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, आर्टिस्ट है, ये ध्यान दे वो वर्कर्स पे, उनके लिए बहुत कुछ करें। ये जो इनिशिएटिव इन लोग फुटबॉल का ले रहे हैं, क्रिकेट का ले रहे हैं, वैसे मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े स्टार्स, डायरेक्टर पूरे इंडिया में वो शोज करें, उधर से फंड आए, उधर से इनकी मदद करें, इनको हेल्प करें, जितना इनको मदद करे उनका फिजिकली उनको आगे जाके उतनी मदद मिलेगी। सर मास्टर जी ने तो बहुत कुछ कह दिया है, इनफैक्ट अभिमन्यु ने बहुत कुछ कर लिया। मैं को इतना ही बोलना है कि इफ्टी का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अभी जो इन्होंने ये जो फुटबॉल मैच किया है ना ऑर्गेनाइज, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम हमेशा क्रिकेट करते करते रहते, तो अभी इस बार फुटबॉल किया। अभी फुटबॉल के लिए एक रीज़न था कि यहाँ पे कुछ फंड्स जमा हो जाए और यहाँ के हमारे जो पुराने डांसर्स हैं, जितने थोड़े से एजड डांसर्स हैं, वो लोग घर पे बैठे हुए, तो उनको कुछ धनराशि मिले। एंड मैं जैसे सर ने बोला वो बराबर है, आज हम सबको एक कोरियोग्राफर को एक हमेशा एक दर्जा चाहिए होता है जो हमको नहीं मिलता है आजकल। मतलब आज एक फिल्म बनाने के लिए कोरियोग्राफी भी बहुत ज़रूरी है, एक गाने की बहुत ज़रूरी होती है, तो उसमें कोरियोग्राफर की बहुत ज़रूरत है, तो वो हमको उसका वो बोलते ना नाम नहीं मिलता है, वो चीज़ का हमारा नाम जुड़ता नहीं, जब मेन HODs में कभी नाम ऐसा जुड़ता नहीं जैसा जुड़ना चाहिए। अभी मास्टर जी है, बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं हम लोग, लेकिन हम लोग का नाम एकदम एंड में आता है, आता है नहीं आता है, कभी कभी आता भी नहीं है। मैं तो कितने बार ट्रेलर्स में देखा, सिर्फ प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो गया, अब इनका हमारा नाम आता ही नहीं है। ये मास्टर जी इतना गाने करते, और मेरे को बताओ एक पिक्चर में गाना हिट होता है, फिर पिक्चर फ्लॉप होती है लेकिन गाने हिट होते हैं, मुझे बताओ। तब सब नाम बोल रहे गाना अच्छा, गाना अच्छा, गाना अच्छा, क्योंकि क्योंकि इन्होंने ऐसा कोरियोग्राफ किया, लेकिन इनका नाम किधर है? मतलब नाम आता ही नहीं। वो नाम बहुत ज़रूरी है हमको, और मास्टर जी जैसे बोले कि गवर्नमेंट को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भी उतना ही योगदान है, यू नो, एक पिक्चर बनाने के लिए। जैसे प्रोड्यूसर लोग तो बहुत पैसे कम बना लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, इन लोगों को वही जो हमको जो डेली वेजेस का है वही हमको मिलता है, दूसरा कुछ मिलता है, लेकिन वही बोल रहे नाम मिल जाए तो अच्छा है, काम को तो चलो पैसे तो मिलते हैं लेकिन नाम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इफ्टी का मैं कंग्रेचुलेट करूँगा, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की ये ऑर्गेनाइज करने के लिए। एंड मतलब हमारे जो कमिटी मेंबर्स है सारे लोग ने बहुत मेहनत की इस चीज़ को, एंड उसके लिए मैं बोलते हैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत ना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरी एक फिल्म आ रही है एंड ऑफ द ईयर, नौसिखिए, जिसमें श्रेया धनवंतरी है और मोल पराशर है। लाइन्स गेट ने प्रोड्यूस की है, उनका फर्स्ट बैच ऑफ फिल्म्स जो इंडिया में प्रोड्यूस किया है वो है, रेडी है, बस रिलीज़ की वेट कर रहा हूँ। तो एक बार वो हो जाएगा फिर मैं आगे दूसरे की बात कर सकता हूँ, पर अगले साल भी दो है। मेरी तो अभी पुष्पा टू आ रही है, बहुत बड़ी बहुत बड़ी फिल्म आ रही है। देवरा आ रही है जूनियर एंटायर की है, फिल्में कर ही रहा हूँ कोरियोग्राफी में, अच्छा है, जब तक बदन चल रहा करते रहूँगा। आज तीन तीन फिल्में रिलीज हुई है, क्रूज चल रही है, स्पेशली हिंदी सिनेमा के लिए अच्छा दिन है, अच्छा वक्त। हिंदी सिनेमा मतलब अपना हिंदी फिल्म सिनेमा का अच्छे लाए ना, हिंदी सिनेमा क्या होता है, सिनेमा के लिए बहुत अच्छा है, सिनेमा के लिए हिंदी और वो कुछ नहीं रहा, मराठी सब एक साथ है। सिनेमा थिएटर फिल्म चलना ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ हम वर्कर के लिए नहीं, वो प्रोड्यूसर के लिए जो अपना पैसा लगाता है, वो हर आर्टिस्ट, वो हर टेक्नीशियंस, इनके लिए सिनेमा चलना बहुत ज़रूरी है। और मुझे खुशी इस बात की है कि सेंसेबल सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा चल रहा है, और यही बोलूँगा कि हमारी ऑडियंस आज हमारी हिंदुस्तानी लोग थिएटर में जाके फिल्म को देखे, थिएटर्स को जिंदा रखे, तो बहुत वर्कर्स लोग का भला होगा। खाली वो फिल्मों के नहीं, हम लोग सबके लिए भला होगा। हाँ, मैं पिछले 54 ईयर से इंडस्ट्री में हूँ, ग्रुप डांसर से, असिस्टेंट से, कोरियोग्राफर, हमारे स्टेप यही है कोरियोग्राफर बनने की। तो ये आज का जो इवेंट है इसके बारे में अगर बोला जाए तो ये है कि हम पुराने, नए और आने वाले हम सबको इकट्ठा करके फिल्म इंडस्ट्री में आगे जाना चाहते हैं, इसमें हमारा सोशल वर्क भी करना चाहते हैं, हम सबको इकट्ठा बोला के जो बिल्कुल ही आज इतने मजबूर है कि वो चल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की एक पेंशन होती है वृद्ध कलाकार आणि तंत्रज्ञ मानधन, तो जो कलाकार उस कैटेगरी में बैठे हैं जो 50 साल के ऊपर हो चुके हैं अब काम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए वो योजना है कि महीने का एक 5,000 रुपये की पेंशन आती है, तो उसके लिए हमने कोशिश की थी, 12 लोगों को शुरू हो गई, इस बार और 10-11 लोगों की शुरुआत है, हम डांसरों को भी जोड़ना चाहते हैं, तो इफ्टिका के जरिए ये सब काम हो जाए ये मेरी बहुत इच्छा है। और ये जितने न्यू जनरेशन के लोग हैं हमारे, ये बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, बहुत काम कर रहे हैं, नया नया कुछ ना कुछ तो प्रयोग करते रहते हैं, आगे भी दिमाग में आया है मेरे कि कुछ और डांस कॉम्पिटिशन्स ये वगैरह ऐसा कुछ भी करके इनकी मदद से मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। थैंक यू। मेरा नाम किरण गिरी है, मैं जॉइन से रेडी हूँ इन इफ्तिका का। ऐसे इवेंट करके वही जैसे अपना जैसे नरेंद्र सर ने कहा, हम फंड इकट्ठा करेंगे और हमारे जितने भी ज़रूरतमंद है उनको हेल्प करेंगे। ये कोशिश हमने पिछले साल MFCL क्रिकेट जो हम लोग ने स्टार्ट किया था उसके थ्रू स्टार्ट किए थे। ये फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड ईयर है जहाँ पर हम लोग ने फुटबॉल इवेंट किया है। पहले क्रिकेट किया था, अभी फुटबॉल इवेंट करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि ऐसा इवेंट होते रहे। हमारे जो फिल्म स्टार है जैसे अभिषेक बच्चन, वहाँ के उनके अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी, टाइगर श्रॉफ, इन्होंने हमें फ़ंड किया है, हमें डोनेशन दिया है इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। और रहा मेहनत के लिए, हमारे ऑफिस बेरर जो काफ़ी मेहनत से, अभी जैसे ये हमारे ग्रुप में काफ़ी सीनियर मोस्ट मेंबर है नरेंद्र जी, पिछले 50 साल से वो इस इंडस्ट्री में है और मैं पिछले 25 ईयर से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो देखा जाए तो हम लोग का जर्नी काफ़ी है। लेकिन इस जर्नी में हम लोग ने देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे की काफ़ी ज़रूरत है, तो छोटे छोटे भले छोटा छोटा अमाउंट हो लेकिन एक हेल्प हमारी तरफ से जा रहा है और होप कि ऐसा हेल्प हम लोग आगे भी करते रहे। थैंक यू। आपका कोई दूसरा क्वेश्चन? बेसिकली मेरा नाम इमरान सैयद है, मैं भी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हम लोग एक एसोसिएशन का हिस्सा हैं, कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन। तो एसोसिएशन का मतलब है इट्स अ कम्युनिटी सर्विस, तो जो कोरियोग्राफर्स कम्युनिटी है, कोरियोग्राफर्स डांसर्स जो भी, उनकी तरफ काम करना, जिसके पास काम नहीं है, जिसको पैसे की ज़रूरत है, किसको कोई तकलीफ है। और द एंटायर आइडिया इज बेसिकली एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द लैक ऑफ एसोसिएशन लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन, तो एक्सप्लॉयटेशन किसी का ना हो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम काम करते हैं और देखते हैं कि सबको अपना सहूलियत रहे, किसी को मदद पड़े तो हम आगे बढ़कर वो करें, तो हम सब मिलकर वही कर रहे हैं। ये इवेंट भी उसी के लिए है, बस यही है, बाकी सब लोगों ने सब बता ही दिया है। थैंक यू सो मच। पूछना चाहती हूँ, जैसे जीत सर ने कहा, जैसे अभी सीजर ने भी कहा कि कोरियोग्राफर के लिए कुछ नाम के लिए गवर्नमेंट सोचना चाहिए, इतनी मेहनत होती है, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं उसकी वजह से गाने, जो मुझे आगे नहीं बोलना है, मगर जो अभी जीत ने कहा और सीजर ने कहा, ये चीज़ गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये होना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट से, और अब मैं कहना चाहूँगा प्रोडक्शन हाउसेज और स्टूडियो से भी, जो एक कोरियोग्राफर का नाम सोशल मीडिया के क्रेडिट से हटा देती है, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि एक कोरियोग्राफर ही है जो दुनिया को नचाता है। जब गाना फेमस होता है तो ऐसे नहीं कि सिर्फ गाने से फेमस हो जाता है, उसके मूवमेंट जो होते हैं लोग उसी पे थिरकते हैं, तो वो कराने वाला एक वीडियो को अच्छा ना बनाने वाला एक कोरियोग्राफर होता है, तो कोरियोग्राफर का बहुत अहमियत होता है एक मूवी के पीछे। ऐसा नहीं कि गाना स्टेप किया और निकल गया, तो वो एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। आई होप इस मीडिया के माध्यम से हम वो कर पाए और इस मुद्दे को आगे लेके जाएं। और ये जो इवेंट चल रहा है, ये इस इवेंट के लिए हम लोग सीनियर्स लोगों के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए सब टीम मिलके हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो सर, जैसे जीत सर ने कहा उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं मेंबर के लिए, मगर मेरी ये तमन्ना इच्छा है कि मेंबर ने भी हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए, हमको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कर रहे हैं नहीं, हम कर भी चुके हैं उनके लिए कुछ बहुत कुछ, तो अगर उनका सपोर्ट मिलेगा तो और बहुत कुछ हो सकता है एसोसिएशन के लिए। माई लाइफ डांसिंग पहली है और सेकेंड लाइफ इज़ माई फुटबॉल। तो जब ही एसोसिएशन इफ्तिका ने बोला क्या टूर्नामेंट रखने वाले और 15 अगस्त को रखने वाले, तो मैं तो एक्साइट हुआ। मैंने जो भी मेरे दोस्त थे बॉलीवुड के, अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी सर, अर्जुन कपूर, अपार शक्ति, करण वाही, कबीर खान, दीनो मौर्या,
सब लोग को, टाइगर श्रॉफ सब लोग को मैसेज भेजा कि मुझे ऐसा हेल्प चाहिए आपसे, आप क्या स्पॉन्सर कर सकते हो। अभिमन्यु भी जो एक्टर भाग्यश्री का बेटा है, उनको भी रिक्वेस्ट किया, वो आएंगे चीफ गेस्ट के लिए। तो उन्होंने इमिजिएटली मुझे बोला कि मैं इतना दूंगा इतना दूंगा। एवरीवन केम टुगेदर एंड आई वाज एक्साइटेड। एंड इफ्तिका, आई थिंक द ग्राउंड इज सुपर्ब। अभिषेक बच्चन ने पूरा ग्राउंड का पैसा भर दिया है। ऑल स्टार्स, बिग थैंक्स टू ऑल स्टार्स, बिकॉज मैं ऑल स्टार्स के लिए खेलता हूँ। बंटी वालिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस यू नो प्लेटफॉर्म टू आस पीपल माई फ्रेंड्स एंड गेटिंग द टीम टुगेदर। आई नो डैनी, आई नो लॉन्जी, आई नो साहिल, जैक, पवन, ऑगी, समशाद, प्रियांशु, मनोज एंड माई पार्टनर बॉस्को। ये हम लोग यू नो बचपन से फुटबॉल खेलते हुए हैं। लाइक लॉन्जी हैज प्लेड, डैनी हैज प्लेड, आई हैव प्लेड, बॉस्को हैज प्लेड। इनफैक्ट स्कूल में और कॉलेज में बॉस्को और मेरी फ्रेंडशिप फुटबॉल की वजह से हुई। तो वो गोल मारता था और मैं गोल सेव करता था और हम लोग का ये बॉन्ड बन गया एज अ टीम। तभी बॉस्को सीजर बॉलीवुड में आए, बिकॉज वी आर एज अ टीम, वी प्लेड टुगेदर एंड वी हैव सर्वाइव्ड द फुटबॉल। कॉलेज में भी हम लोग ने चैम्पियनशिप जीती, स्कूल में भी जीती। अभी ये प्लेटफॉर्म में आफ्टर आई थिंक आई एम 50 प्लस, ही विल बी 50, तो मज़ा तो है फुटबॉल में। खाली अभी माहौल बना है जीतने का। आई थिंक दे हैव डन वेरी वेल। आई होप वी विन द फाइनल्स। आई एम प्लेइंग टू विन ओनली एंड आई होप अदर टीम एंड द रेस्ट ऑफ द इफ्तिक का फॉर डूइंग अ बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट टूर्नामेंट। ये तो ट्रायल और एरर था और लर्निंग प्रोसेस था, बट नेवरदलेस आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। यही माहौल अगर सुबह के वहाँ होता था, ओवरकास्ट रहता था, तो और मज़ा आता था, बिकॉज धूप इतनी थी, दो मैच खेलने में सच्ची मेरे लैंग्वेज में फट गई थी। हम सबके लैंग्वेज में फट गई थी। तो लेकिन मज़ा आया। आई थिंक रेस्ट यू नो इज यू कैन आस्क बॉस्को, बॉस्को विल कम एंड प्ले द फाइनल्स, ही इज अ स्टार, ही विल ऑलवेज बी अ स्टार। Happy independence. One more thing I need to ask. I have got a lot of questions. I asked a lot of questions to the photographers association and they have yes. Talked about the few problems that the credit often like missing from films. Yes. Photographers and other ये जो आप कहना चाहते हो, बॉस्को ने जो इशू उठाया, बॉस्को मार्टिस इज द फर्स्ट गाय हु रेज दिस इशू, क्या ऑल द कोरियोग्राफर्स को क्रेडिट नहीं मिलते हैं? क्रेडिट हम लोग का नाम नहीं जाता है। लॉन्जी करेगा गाना, नाम उधर सबका आएगा, लिरिसिस का आएगा, लेकिन कोरियोग्राफर का वी हैव टू बेग। एंड तो बॉस्को का ये टॉपिक है, आई सपोर्ट दैट कॉज, आई रियली सपोर्ट, बट आई एम बीन सपोर्टिंग his cause and other causes since when we started our career, but abhi talak kuch hua nahi hai. But abhi recently maine ek web series aa rahi hai, lagta hai web series jo Javed Akhtar sahab aur Salim Javed ke upar hai, to unhon mujhe pata nahi tha they also fought for their name. Correct. I think that was so I think Bosco's fight for everyone, for all of us, to our name should be there, because we are not asking. जब भी पिक्चर 100 crore करती है, हम लोग एक गाना करेंगे, जय जय शिव शंकर फॉर एग्जाम्पल, गाना तो हिट हुआ, सुपर हिट हुआ, रॉयल्टी थोड़ी मिलता है, प्रोड्यूसर लेके जाता है, उसमें नाम भी नहीं डालोगे। सो वी प्लीड एंड वी रिक्वेस्ट, अगर थोड़ी इज्जत मिलेगी कोरियोग्राफर्स, वी आर टेक्नीशियंस, वी आर HODs यार। मैं मेरे डांसर्स को भी जब भी शो करता हूँ, ये करता हूँ, मैं थैंक यू बोलता हूँ, दे आर आर बैकबोन असिस्टेंट्स, दे आर बैकबोन। इफ यू डोंट सपोर्ट आर टीम, तो जैसे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स है, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वी वर्क इन अ मूवी एज अ यूनिट, एज अ क्रू, तो वी आर इट्स आर टीम ना। कोई पिक्चर हिट होती है तो टीम की वजह से होती है, तो अगर थैंक यू बोलेंगे तो मेहरबानी होगी प्लीज। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है ब्राउनी, तो इसके डैड आदित्य गायकवाड, इसके डैड कोरियोग्राफर है, तो उन्होंने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने ये टूर्नामेंट होस्ट किया है, तो ही टोल्ड अस 10 days प्रायर के टूर्नामेंट होस्ट होने वाला है, तो तू तेरी टीम लेके आ जाना। मैंने बोला ठीक है श्योर, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, नो वन वॉन्ट्स टू मिस इट। सो वी ट्राइड कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर हम लोग इकट्ठे कर सके, बट वी कुडंट बिकॉज एवरी वन हैड देयर ओन प्लान्स, सो दे कुडंट। सो ये इंडिपेंडेंट टीम है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि टीम की केमिस्ट्री कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे के साथ हार्डली ज़्यादा खेले हैं, एक दो गेम खेल चुके एक दूसरे के साथ,
स्टार्टिंग विथ हिम ही इज आदित्य गायकवाड द गोल कीपर ऑफ आर टीम ही इज आर्यन हिरवे द सेंटर बैक ऑफ द टीम यस ही इज हमारी इंडस्ट्री में एक कोरियोग्राफर का बहुत अहम हिस्सा रह चुका है, ये तो हम सभी जानते हैं। मतलब अगर फिल्म है तो गानों के बिना फिल्म नहीं हो सकती है, अगर गाने हैं तो फिर कोरियोग्राफर भी है। तो हम लोग जब उचित काम करते हैं, हम लोग इतने क्रिएटिव वर्क करते हैं, उसके बावजूद हम लोग को कई बार देखा जाता है कि हमारा वो लिस्ट में नाम नहीं होता है, और उस नाम के लिए हमें बोलना पड़ता है उस क्रेडिट के लिए। तो थोड़ा सा हमें तकलीफ होती है कि इतना सारा क्रिएटिविटी करके उस गाने को अच्छा बनाने के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है एक गाना शूट करने के लिए, उसके बावजूद जो क्रेडिट नहीं मिलता उससे दुख तो हो रहा है हमें। बट अभी उसके लिए भी हमारी एक अलग जंग है, कोशिश कर रहे हैं हम प्रोड्यूसर्स से, जो भी प्रोडक्शन हाउसेस है या म्यूजिक कंपनीज है, सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमें किसी पे कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी को हम लोग दोष नहीं दे रहे, बस जो हमारी मेहनत का हमें जो मुआवजा मिलना चाहिए, जैसे कि नाम है, जो भी फीस हम क्या लेते क्या देते वो अलग चीज़ है, हाँ वो अगर सेकेंडरी है, हम लोग जो मेहनत करते हैं उसका हमें एक उचित क्रेडिट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है गानों में। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन गायकवाड़ है, मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। बेसिकली ये हमारा मतलब जब से हमारे टेन्योर में ये हमारा तीसरा चौथा इवेंट है, तो हम लोग हमारे सारे जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं उनकी यूनिटी बनाने के लिए हर दो महीने में तीन महीने इस तरह के इवेंट्स हम लोग करते रहते हैं। और आज के इवेंट का एक और भी एक मकसद है कि हमारे जो सीनियर मेंबर्स है, जो नीडीज मेंबर्स है, जिनके फैमिलीज में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस इवेंट के जरिए सबको इकट्ठा करके कुछ थोड़ा बहुत फंड जनरेट करके हम उनकी हेल्प करने का आज का बेसिक मकसद हमारा यही था आज के इवेंट का। तो हम लोग इसी तरह कुछ ना कुछ टीम के साथ मिलकर ऐसे इवेंट्स करते रहते हैं मेंबर्स के हित के लिए, मेंबर को यूनाइट करने के लिए बेसिकली। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मेरा नाम जीत सिंह है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अपने इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन का। कोविड के समय हमारे तभी जनरल सेक्रेटरी थे गणेश आचार्य, और हम सब टीम में थे, जॉइंट सेक्रेटरी में था, और उसके बाद में सारी चीज़ें जो दिखी, थोड़े एक महीने के लिए प्रॉब्लम, दो महीना, ऐसे करते करते कोविड के समय तो सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते गए। उस समय हमको बॉलीवुड से कोई राहत नहीं मिली, हमारी पूरी कमिटी ने डिसाइड किया तब कि हम अपने मेंबर्स के लिए ना हेल्प करें। तो उस समय हम लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने 5000 रुपीज़ सबको भेजा, जितने भी मेंबर्स नीडी थे और ज़रूरतमंद थे, जिन्होंने हमको अप्रोच किया, और सारे लोग मोस्टली सभी लोगों को पहुंचा। उसके बाद में हमने 3000 किया, फिर कुछ मेंबर्स जो पार्टली पेड मेंबर्स थे उन लोगों को भी हमने, जैसे कि इंसानियत वाली बात आ जाती तो उसको हम लोग ने पहले बरकरार रखा, उसको आगे रखा, और हमने उनको भी हेल्प किया। एक हेल्प हम लोगों को आया, वो है कूपन आया था ना शायद, नहीं अपने कोई हेल्प नहीं, अच्छा कूपन दिया गया था दूसरे एसोसिएशंस को, जहाँ तक हम लोगों को सुनाई दिया था, तो हमको लगा कि हमारे पास भी आएगा, बट हमारे एसोसिएशन क्या है फेडरेशन के साथ में एफिलेटेड नहीं थे, जिसके वजह से वो चीज़ें हमको नहीं मिली, वो बेनिफिट नहीं मिल पाया। लेकिन हम पूरी एसोसिएशन मिलके ना अपने मेंबर्स के लिए काफ़ी कुछ उस समय कोविड में हेल्प किए अपने मेंबर्स के। मेरा नाम प्रमोद कराडे है, मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न कोरियोग्राफर एसोसिएशन में ट्रेजरर की पोस्ट पे हूँ, जहाँ की अभी हमारे प्रेसिडेंट ने, जनरल सेक्रेटरी ने लगभग सारी बातें कवर कर ली है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही एक बहुत अहम मुद्दा है। गवर्नमेंट हमेशा, गवर्नमेंट बॉडी जो बोलती है कि ये सही है, ये हमारा रूल है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आपको इसी दायरे में काम करना चाहिए, यही दायरे में आपको रहना पड़ेगा, लेकिन हमारे किसी भी काम की सेफ्टी गारंटी गवर्नमेंट कभी भी नहीं लेती। जैसे अभी आपने CCI का रूल आ गया कि जिसके पास आधार कार्ड है वो काम कर सकता है, तो अभी मैं ये सवाल, आप भी एक स्किल्ड वर्कर है, आपकी जगह पे यहाँ पर कैमरा लेके कोई और तो खड़ा हो नहीं सकता, अभी जिसको खाली कैमरा लेके खड़ा हो सकता है उसको तो खड़ा नहीं कर सकते ना। तो हर एक अपने चीज़ों की सबकी अहमियत होती है, जिसको करने का स्किल
होता है। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि कोई भी आधार कार्ड वाला काम कर सकता है, ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हैं, हमारी सेफ्टी का क्या? अगर कोई भी आदमी काम करता है स्किल वाला, उसकी पेमेंट की गारंटी, उसकी सिक्योरिटी, उसका इंश्योरेंस की गारंटी तो गवर्नमेंट नहीं लेता है। हम ये चाहते हैं, क्योंकि हमारा जब भी ये, मैंने बहुत सालों से एक्सपीरियंस किया है, हमारा जब भी इनकम टैक्स या लोन के लिए भी हम लोग जाते हैं, हम लोन कर जाते हैं, तो यार आप तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड होने के बावजूद हम लोग का टीडीएस तो कट के जाता है उतना ही, हम तो उतना ही देते हैं गवर्नमेंट को, तो हमको ये अलग से क्यों देखा जाता है? ये चीज़, ये प्रॉब्लम बहुत होते हैं, तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं कि हमारी तरफ भी एक ये ऐसी होगी कि बॉलीवुड एंटिटी एक साइडलाइन की जाती है। पहले मेरे ख्याल से आज से 20-25-25-30 साल पहले अगर कुछ भी बड़ी दुविधा आती थी तो बॉलीवुड यूज़ टू लाइक पहले खड़ा हो जाता था कि ये फलाने ने इतना ये किया, ऑर्गेनाइज किया। अब आप हमको ही दूर कर लिए तो उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। अभी बॉलीवुड इज़ गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ ऑल दिस रिस्ट्रिक्शंस।